A plus B whole square is equal to... A square plus B square. I have not done that. I have not done that. Damn, bro. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है मुनीश। मेरा नाम विजेंद्र। और मैं हूं सुनील। और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है ट्रेलर वाल्मीकि मूवी का। इसमें वरुण तेज हैं और इसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने। तो शुरू करते हैं। ये ट्रेलर साउथ इंडियन मूवी का ट्रेलर है, शायद लैंग्वेज हमें समझ ना आए लेकिन स्टोरी की जो आत्मा है वो तो हम पकड़ ही लेंगे। ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటి లేపాది కూర్చొని చూసే సినిమాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయి? మంచి సినిమా తీస్తాను. అచ్చా, ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్న డానీ కాదురా, ఫామ్ లో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ ని వెతికి పట్టుకోవాలి. కత్తుల కొన్ని క్రాష్, నా పైన పందాలేస్తే గెలుస్తారు, నా తోటి పందాలేస్తే సస్తారు. గణేష్ గారి దెబ్బకి మగ పురుగు కూడా నా మీద వాలట్లేదు. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఇట్. ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఇట్. డేమ్ బ్రో, మనం బతుకుతున్నామని 10 మందికి తెలియకపోతే ఇక బతుకుడు ఎందుకురా? ఏంది సూచన ఇస్తున్నావు? ఏంది కథ? జిందగీ మాధవ్ చోత్తమే ఉత్త గీతలే మన చేతులుంటాయి, రాతలు మన చేతులు ఉంటాయి. దోస్కర్ సిక్స్ కొట్టుడు, పప్పిలేరే పాట కొట్టుడు, నేను ఒక్కలేర కొట్టుడు. సేమ్ టు సేమ్ అదే ప్రసెంట్. కొండ గణేష్ అంటే వాల్మీకి ఒక మామూలు మనిషి మహర్షి రామాయణం రాశాడు, అందుకే మన సినిమాకి వాల్మీకి అని టైటిల్ అనుకుంటున్నాను. ओके, तो दोस्तों ये था ट्रेलर। कैसा लगा ट्रेलर? ओ भाई मजा आ गया, क्योंकि फुल ऑन एक्शन एक्शन भाई। इसमें भी मतलब जो साउथ वाला फील आता है ना मूवी में, वो आ रहा है इसमें तो पूरा। साउथ का फील भी है और साउथ के फील के साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्टैंडर्ड हाई गया भाई। हाँ, काफी हाई है। और जो मेन चीज अगर इसमें देखोगे तो आपको एक स्टोरी पूरी बनती हुई दिख रही है। एक शुरू में मतलब वो सही लगा था कि पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखना बड़ा मुश्किल काम हो गया आजकल। तो वो कहता है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा और उसके बाद तो ऐसे लगता है भाई विलन। वो कहता है फार्म हाउस की मतलब ऐसी अच्छी मूवी नहीं बनाएंगे, एक्शन मूवी बनाएंगे डॉन को लेके। और डॉन तो फिर ऐसे खतरनाक निकले भाई। एक डायलॉग था बीच में वो बोलता है, मतलब इंग्लिश सबटाइटल के साथ था ये, तो थोड़ा सा समझ आया। तो उसमें बीच में वो बोलता है कि तुम मेरे साथ हो तो जिंदा हो, मेरे अगेंस्ट हो तो तुम मर गए हो। तुम्हारी कहानी खत्म है। और इसमें थोड़ा उसकी पुरानी स्टोरी थोड़ी आगे स्टोरी कुछ मिक्स करके दिखाया मतलब ट्रेलर में। हाँ, शायद थोड़ा सा समझने में मतलब वो है हमें अभी भी। उसमें एक तो वो बियर्ड के साथ थे, दाढ़ी के साथ, और दूसरे एक मुस्टैश के साथ, मूंछों के साथ थे। तो वो कुछ समझ नहीं आया उनका। तो तुम्हें समझ आया? इसमें बेसिकली जो बियर्ड के साथ थे वो मेन रोल दिखा रखा उनका हीरो का, यानी जब वो लास्ट में उसको मार रहे होते, जला रहे होते हैं, पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं, तो वो उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। मे बी वो मे बी फ्रेंड्स हो दोनों, या कुछ हुआ हो ऐसी बात, या उनका कुछ आपस में कोई दुश्मनी है, कुछ ऐसा लग रहा था मतलब। पर लास्ट सीन में एक जगह वो चेयर पे बैठे हुआ है बियर्ड वाला, और उसको वो डायरेक्टर समझा रहा है कुछ वाल्मीकि वाला। हाँ, वाल्मीकि के बारे में कि वाल्मीकि पे एक मूवी बनाएंगे। आंटी का डायलॉग सही था एंड में भाई, बाकी तो पता नहीं। तो आंटी ने कमाल कर दी लास्ट जो फाइनल में आया। तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हमें, तो अच्छा ही लगा। और मजा आ गया। म्यूजिक भाई, म्यूजिक भी साउथ इंडियन मूवीज का म्यूजिक जो है ना वो काफी पकड़ बना रहा है। और इस फिल्म का म्यूजिक जो है ना, बैकग्राउंड स्कोर भी जो चलता है वो शायद गाना भी हो कोई उस तरह, वो बहुत पैपी और बहुत हार्ड हिटिंग है।
मेन तो इनके एक्शंस हो रहे हैं, एक्शन देखने वाले होते हैं साउथ के, एक्शंस और कैमरा एंगल्स भी बहुत अच्छे लगे, बहुत ही हां जैसे वो बोतल मारता है तो कहते हैं मतलब वहां पे पूरा कैमरा लगा हुआ है और वहां पे है, फिर उसके बाद जब वो हंसता है तो वहां पे भी कैमरा एंगल बिल्कुल, तो साउथ इंडियन सिनेमेटोग्राफर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफर कैमरा अपने डायरेक्टर्स भी, क्योंकि डायरेक्टर अगर कैमरा मैन या सिनेमेटोग्राफर के साथ मिलके काम नहीं करेंगे एक टीम में तो वो उतना अच्छा चीज़ नहीं निकल के आ पाएगी, तो पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है मूवी की। तो ये था हमारा रिएक्शन टीजर को लेके, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगी है मूवी, ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, हमें भी मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएँ, सबटाइटल के साथ है अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और इसके अलावा और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो जाए, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ बैठ के हमारा रिएक्शन देखें, और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमें पता लग सके आपको वीडियो अच्छा लगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।